मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं आज यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ एक रेस्पिरेटरी अपैरेटस दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर टू डिलीवर हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी टू न्यूनेट्स एंड प्री मेच्योर बेबीज़। जो अपैरेटस है उसमें दो मेजर कंपोनेंट है। फर्स्ट इज एयर ऑक्सीजन ब्लेंडर। एयर ऑक्सीजन ब्लेंडर का काम है टू हैव इनपुट ऑफ प्रेशराइज एयर, मेडिकल एयर एंड ऑक्सीजन। तो वो आपको आउटपुट पे एज पर योर पेशेंट रिक्वायरमेंट फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द फ्लो कैन बी डिलीवर्ड टू द पेशेंट। अच्छा, ये जो आउटपुट आएगा इसका गैस मिक्सचर दोनों स्लिप बाय द वे फ्लो मीटर एट अ टाइम यूज हो सकते हैं, लेकिन आप एक एक ही कोई एक प्राइमरीली यूज़ करेंगे। सेकेंडली कैन बी यूज फॉर आइदर लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी और नेबुलाइजेशन ड्यूरिंग हाई फ्लो। ठीक है, इसमें वेरियस कॉन्फिग्रेशन आती हैं ब्लेंडर में, जिसमें कि आपका 15 एंड 1 लीटर, अभी करंटली हमारे पास जो लगा हुआ है वो है 30 एंड 8। तो 30 लीटर कैन बी यूज फ्रॉम न्यूनेट्स अप टू पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, और 8 लीटर का जो है दैट कैन बी यूज फॉर नेबुलाइजेशन और मे बी फॉर लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी। कमिंग बैक फर्दर, आपका जो गैस मिक्सचर आपका जो आउटपुट पे आएगा फ्लो ड्राइवर के थ्रू, वो विद अ सेट ऑफ कंज्यूमेबल अलॉन्ग विद द ह्यूमिडिफायर। तो जो गैस मिक्सचर मिलेगा दैट विल बी हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड, मीन्स इट विल बी कंडीशन एज पर दी पेशेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट एंड विल बी डिलीवर टू द पेशेंट। नाउ कमिंग बैक टू द इनिशियल पॉइंट के वॉट इज हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी। हर पेशेंट जो है एक पर्टिकुलर इंस्पायर्ड फ्लो, इंस्पिरेटरी फ्लो होता है जिससे वो इंस्पायर करता है। उससे ऊपर अगर आप पेशेंट को एज अ सपोर्टिंग फ्लो डिलीवर कर देंगे तो दैट विल बी अ हाई फ्लो। लेट सपोज अगर मैं राइट नाउ अगर मैं ब्रीथ कर रहा हूँ 12 लीटर पर मिनट के हिसाब से मेरा इंस्पिरेटरी फ्लो है, अगर मुझे 13 लीटर या 15 लीटर भी मुझे फ्लो बाहर से सपोर्ट के तौर पे मिल जाए तो दैट इज़ अ हाई फ्लो फॉर मी। अब ऐसी बात है, जो मेडिकल कंप्रेस्ड आपकी गैस होती है चाहे वो एयर हो ऑक्सीजन हो दैट इज़ वेरी ड्राई। तो उसको नेचुरल जो इन्वायरमेंट है जिस तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बींग ब्रीथ करता है उसके क्लोज लाने के लिए वी नीड टू हीट दी गैस मिक्सचर प्लस वी नीड टू ह्यूमिडिफाई एज वेल। सो कमिंग टू द कॉम्पोनेंट्स दैट वी हैव टू डू सो, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर है आपका, पहला कॉम्पोनेंट है वो है आपका ह्यूमिडिफायर चेम्बर। ये ह्यूमिडिफायर चेम्बर इट्स एन ऑटो फीड चेम्बर जो आप नॉर्मल सलाइन बैग के साथ अटैच कर देंगे। इट हैज़ अ कवर हियर एज वेल दैट रिमूव द एयर लीक। ऑटो फीड है, ऑटो फीड मीन्स जितना इसको वाटर लेवल चाहिए ऑटोमेटिकली मेंटेन करेगा प्रोवाइडेड आपका जो नॉर्मल सलाइन बैग है दैट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, दैट इज़ नॉट एम्प्टी और इट्स नॉट नियर टू एम्प्टी। सेकेंड कॉम्पोनेंट है आपका, वो है आपका ओवर प्रेशर रिलीफ वेल्व। इन केस क्योंकि ड्यूरिंग हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी जो चेम्बर में प्रेशर्स होते हैं काफ़ी हाई होते हैं, तो दिस इज़ अ बेसिक नेसेसिटी कॉम्पोनेंट दैट हैज़ टू बी देयर। अगर आप इसके बगैर यूज़ करेंगे दैट कैन ट्रॉमाटाइज द पेशेंट। जो थर्ड कॉम्पोनेंट है आपका वो है आपका हीटेड इंस्पायरेटरी सर्किट। उसके बाद एक आपका इनपुट के लिए जो है कॉम्पोनेंट है वो विद द सिलिकॉन ट्यूब एक कनेक्टर है। जो फोर्थ कैन यू रिपीट दिस इज दी आफ्टर द ओवर प्रेशर रिलीफ वेल्व यू हैव द इंस्पिरेटरी लिम, हीटेड इंस्पिरेटरी लिम। आप देख रहे हैं इसके अंदर वायर जा रहा है और इसमें ये एक कनेक्शन का पोर्ट है दैट हैज़ टू बी कनेक्टेड विद द ह्यूमिडिफायर। ठीक है, और इसके एंड पे आपका नेजल कैनुला लग जाएगा विच इज दिस। एक कॉम्पोनेंट में मेंशन करना रह गया था वो है आपका ये इनपुट फ्रॉम फ्लो ड्राइवर जो है ये आपका कनेक्टर लग जाएगा वन साइड ऑफ द ह्यूमिडिफायर। दिस विल बी योर इनपुट टू द ह्यूमिडिफायर चेम्बर। आउटपुट पे आपका ये लगेगा एट द एंड नेजल कैनुला। अच्छा, नेजल के सर्किट कैन डिलीवर अप टू 40 लीटर ऑफ फ्लो। सो सर्किट विल नॉट बी चेंज आइदर यू हैव प्री मेच्योर न्यूनेट इन्फेंट पीडियाट्रिक विच एवर पेशेंट। तो अप टू 40 लीटर डिलीवर कर सकता है, तो मीन अराउंड 25 kg ऑफ योर पेशेंट कैन बी ट्रीटेड विद द सेम सर्किट साइज प्रोवाइडेड कैनुला साइज विल बी चेंज। वी हैव टोटली 5 sizes, डिफरेंट कंपनीज हैव डिफरेंट, मैन्युफैक्चरर्स हैव डिफरेंट साइजेस। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डिलीवर द फ्लो। सो वी आर नॉट गोइंग टू कवर अप द नॉस्ट्रल्स एज वी डू इन नेजल सीपैप या डबल सीपैप। इसमें हमने सिर्फ फ्लो डिलीवर करना है, आइदर योर नॉस्ट्रल्स आर हाफली कवर्ड और 2/3 कवर्ड, नो इशूज, नो वरीज। अपार्ट फ्रॉम दैट दो केबल्स हैं दैट विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद द ह्यूमिडिफायर।
जो उसके हीटिंग और जो ह्यूमिडिटी का जो फैक्टर है उसको मेंटेन करने के लिए. वन इज़ अ स्मॉलर केबल दैट हीट्स द इंस्पायरिटी लिम्ब, कीप्स इट हीटेड, ताकि जो आपका ह्यूमिडिफिकेशन आपका चेंबर से निकल रहा है ऑन द वे कंडेंसेशन ना हो जाए. जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है आपका वो टेम्परेचर सेंसर है. इसमें डुअल टेम्परेचर सेंसर है. एक सेंसर आपका मेजर करेगा टेम्परेचर नियर टू द चेंबर, सेकेंड वन विल मॉनिटर टेम्परेचर नियर टू द पेशेंट, दैट इज कॉल्ड द एयरवे टेम्परेचर. सो मैं ये सारे कॉम्पोनेंट्स अटैच करता हूँ वन बाय वन विद द सिस्टम. यू नीड टू कनेक्ट द मेडिकल ग्रेड एयर एंड ऑक्सीजन. जो उसकी प्रेशर रेंज है ब्लेंडर की, दैट स्टार्ट फ्रॉम 3 bar एंड गोज अप टू 6 bar. तो 3 bar to 6 bar इसकी प्रेशर रेंज है फॉर बोथ ऑफ द गैसेज, आइदर इट्स मेडिकल एयर और ऑक्सीजन. ठीक है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं, NIST स्टैंडर्ड, डिफरेंट स्टैंडर्ड राइट नाउ इस DIS. सो मैं सिंपल आप कनेक्ट कर दें, आपके जो है दूसरा एंड है होजिंग का वो कनेक्ट हो जाएगा आपके पॉइंट्स में. यू हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर पॉइंट्स ऑल्सो, मे बी यू हैव यू आर यूजिंग ब्रिटिश ऑक्सीजन, ब्रिटिश CNU. So there are different standard right now. I have is British standard. You can use it for. But maybe. Some place we are using DIN standard, in especially in ICU, we change it and we yeah, convert it, to yes. It can be changed, but yes. main important thing is you need to have hosing that is anti-static, and it should be PVC. So yes. If it's rubber, then high pressure. Exactly, it should sustain high pressure. Yes. Up to 10 bar. So I'm not attaching it right now because we are not going to use it for a patient or so I'll keep it. जो पहला कंपोनेंट है जो हम अटैच करेंगे अपने रेस्पिरेटरी अपैरेटस में टू डिलीवर हाई फ्लो, दैट इज़ दी ह्यूमिडिफायर चेंबर. अच्छा, इसमें आप कोशिश करेंगे जो आपका ऑटो फीड जो लाइन है वो आपकी बैक साइड पर हो ऑफ द ह्यूमिडिफायर. ठीक है, फ्रंट पर ना हो. इस डायरेक्शन में आप नहीं लगाएंगे इसको, इस डायरेक्शन में आप इंसर्ट करेंगे, ये बैक पर हो. तो यूँ मैंने पकड़ा है, ऐसे पकड़ूंगा मैं इसको, इसी से प्रेस करूँगा फ्रंट पे और इसको पुश कर दूँगा. ये मेरा जो अटैच हो गया. अच्छा, ये जो लाइन है ये मैं अटैच करूँगा विद नॉर्मल सलाइन बैग. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास RO वाटर या डिस्टल वाटर का बैग अवेलेबल नहीं होता, दिस इज़ वाई वी विल बी यूजिंग नॉर्मल सलाइन बैग. और इसमें ये एक ब्लू कलर का कैप है, दिस रिमूव्स एयर लॉक. आपको खोल कर आप मतलब को तोड़ दें, चाहे गलती से कोई बंद ना कर देगा, बंद कर देगा एयर लॉक हो जाएगा तो ऑटो फीडिंग चेंबर काम नहीं करेगा. अच्छा, ऑटो फीडिंग का मतलब ये है कि जिस जितना वाटर लेवल इसको चाहिए खुद ही मेंटेन करेगा, प्रोवाइडेड आपका नॉर्मल सलाइन बैग फिल्ड है, फिल्ड अप है. और जितना यूज कर रहेगा कंटिन्यूसली ये ड्रेन करता रहेगा जितना इसको लेवल चाहिए, लेवल हमेशा मेंटेन करेगा. ये जो मैं अटैच करूँगा विद द ह्यूमिडिफायर इज द ओवर प्रेशर रिलीफ वेल्व. इसके ऊपर मैं इनपुट दूंगा इसको फ्लो ड्राइवर से. ये मैं अटैच करूँगा ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे इसलिए मैं अटैच नहीं कर रहा, आइदर ऑल्दो यू कैन डू इट, लेकिन क्योंकि मेरे पास ह्यूमिडिफायर के कनेक्शन हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर, इसलिए मैं राइट हैंड साइड यूज़ करूँगा टू कनेक्ट माय इंस्पायरेटरी हीटेड सर्किट. नेक्स्ट कंपोनेंट जो अटैच होगा दैट इज द इनपुट फ्रॉम द फ्लो ड्राइवर टू द ह्यूमिडिफायर चेंबर. एक सिलिकॉन ट्यूबिंग है विद दिस कनेक्टर. दिस कनेक्टर विल गो इन द ओवर प्रेशर रिलीफ वाल्व. और जो सिलिकॉन ट्यूबिंग है दैट विल बी कनेक्टेड विद द प्राइमरी फ्लो मीटर दैट यू आर गोइंग टू यूज फॉर हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी. तो करंटली हमेशा हम लोग वी विल बी यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड फ्लो मीटर. तो आज मैंने इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड पे कनेक्ट किया जी. नेक्स्ट कंपोनेंट है जो मैं अटैच करूंगा दैट इज द इंस्पायरेटरी हीटेड इंस्पायरेटरी लिम्ब. और अपना जो राइट हैंड साइड का जो मेरा कनेक्टर है ऑन द ह्यूमिडिफायर चेंबर वहाँ मैं इसको अटैच कर दूंगा इन दिस मैनर. अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं एक पोर्ट कनेक्ट करने की जगह है और यहाँ पर ऑन दी एयर वे यहाँ पर भी पोर्ट अटैच करने की जगह है. इन दोनों जगहों पे वो टेम्परेचर सेंसर केबल अटैच होगी जो मैंने आपको शो की थी, और बैक साइड पे अटैच होगी आपका हीटर वायर अडाप्टर जो कि आपको आपके ह्यूमिडिफायर के साथ सर्किट को अटैच कर देगा. पहली जो केबल मैं अटैच करूँगा दैट इज़ दी स्मॉलर केबल, जो छोटी केबल है, और ये जो है हीटर वायर अडाप्टर कहलाती है. ये इंटरनल जो वायर जा रहा है आपका इंस्पायरेटरी हीटेड सर्किट के अंदर उसको ये प्री हीट करके रखेगा ताकि जो ह्यूमिडिटी आपके ह्यूमिडिफायर चेंबर में से आ रही है वो कंडेंसेशन उसकी ना हो जाए और ड्यूरिंग द गो. तो इसको अटैच करने का तरीका ये, इसमें एक नॉच है
और 12 o'clock, इसको मैं बिल्कुल 12 o'clock की पोजीशन पे रखूँगा. एग्जैक्टली, यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, बट हाँ, बट स्टिल यू नीड टू टेक केयर कि इसको 12 o'clock पे आप इसको इंसर्ट करें. बाद अकाल गलती हो जाती है. ये एक तरफ अटैच हो गया, दूसरी तरफ आपका फ्लावर कनेक्शन है, दैट विल गो टू दी सर्किट, ये आपके सर्किट पे अटैच हो गया. ठीक है, इसके बाद जो कंपोनेंट है दैट विल कंप्लीट योर अपैरेटस इज दिस सेंसर केबल. ये एक तरफ माइक्रोफोन टाइप कनेक्शन है दैट विल बी कनेक्टेड ऑन द ह्यूमिडिफायर. जो सेकंड आपका है वो नियर एक टेम्परेचर सेंसर है जो आपका चेंबर के टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा. आपने इस तरह इंसर्ट कर दिया. और जो दूसरा आपका टेम्परेचर सेंसर है दैट विल गो ऑन दी प्रॉक्सिमल साइड टू द पेशेंट. ये इस तरह आपका ये सर्किट के जो कनेक्शन है वो आपका हो गया कंप्लीट. जो लास्ट कंपोनेंट है वो हम अटैच करेंगे अपने सर्किट पे एट द एंड, वो है नेजल कैनुला. ये नेजल कैनुला डिज़ाइन हुआ है एस एच टू डिलीवर फ्लो अप टू 8 liter. यू कैन सी दी नॉस्ट्रल साइज, प्रॉन्ग साइज इन फैक्ट नॉट नॉस्ट्रल. सो वी हैव बेसिकली 5 sizes ऑल टुगेदर. दिस इज द सेकेंड साइज वी हैव राइट नाउ. सो मोस्टली दिस कवर्स प्री मेच्योर एंड न्यूनेट पेशेंट्स. सो आई रिकमेंड टू यूज दिस ओनली दिस रादर देन हैविंग 2 sizes. To avoid any confusion, because we need to deliver the mileage. Zaruri hai to deliver flow, not to deliver pressure. Ye capable hai cannula deliver karne ke liye, aur aapka patient size bhi aapko 8 liter hi demand kar raha hai, so this is enough. Bhale ye nostrils ko 1/3 cover kare, half the way cover kare, ya 2/3 cover kare, doesn't matter. ठीक है, तो ये हम अटैच कर देंगे आपके इस पे. आउटपुट पे आपका सर्किट हो गया कंप्लीट. और ये इसे लगाने का तरीका, ये कानों के ऊपर से जाएगा और पीछे से इसको आप ब्लॉक करेंगे. अच्छा, इसमें एक और कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आती है जिसमें के आपके पैड्स होते हैं, स्टिकिंग पैड्स ऑन द चीक्स. समटाइम्स आप कहते हैं कि नहीं यार इसको ये बार बार ऑफ हो जाता है फ्रॉम द पेशेंट, और मतलब ये इट्स अ बिट प्रॉब्लम. तो हम क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास पैड्स भी हैं, स्टिकिंग पैड्स. आप मतलब पेशेंट के चीक्स पर आप अटैच कर सकते हैं. 3M की उस पर जो है वो एडेसिव लगा हुआ है, दैट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली और पेशेंट फ्रेंडली एज वेल. वो कोई ट्रॉमा आपको स्किन पे नहीं करता डिस्पाइट ऑफ यूजिंग और फॉर कपल ऑफ डेज टाइम. तो उसके ऊपर ये आराम से आपकी जो केबल्स हैं वो बैठ जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं. यू डोंट नीड टू यूज़ स्टिकिंग, जो नॉर्मली स्टिकिंग यूज़ की जाती है तो स्टिक ऑन वो ट्रॉमा कर देती है स्किन पे बेबी के ना, तो दैट कैन बी अवॉइडेड एज वेल. तो यू हैव दैट ऑप्शन एज वेल. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक इसमें यह है कि ये सिस्टम जो है वो ओपन सिस्टम है. मीन्स इट कैन एक्सेप्ट थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर पेशेंट सर्किट. एनी इफ इट रादर इफ फ्रॉम इंटरसर्जिकल और मे बी फ्लेक्सी केयर और गेलमेंट, डजंट मैटर, यू कैन स्टिल यूज अवर सिस्टम. कंपैटिबल विद डिफरेंट हमारे जो कंज्यूमेबल हैं दैट आर कंपैटिबल विद डिफरेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ ह्यूमिडिफायर लाइक फिशर पिक. If you don't have a humidifier from Armstrong Medical, no problem. Still, you can use our consumable on that system. So, our conformity, our pass, jo hai, wo letter hai from the manufacturer that you can use our consumable on that humidifier as well. Aisa nahi hai ki ye sirf hamare system ke saath hi chalega. A neonatal configuration mein bhi hai. Aapke paas koi question hai, please. Meri presentation khatam ho gayi hai. Koi question hai to please bataye. मेरा ये क्वेश्चन था, ये जो आपने साइजेस बताए हैं इसमें से, ठीक है 5 sizes आपने अवेलेबल बताए हैं, इसकी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे. 5 sizes में मसलन सबसे मिनिमम फ्लो और मैक्सिमम फ्लो किस तरह, यानी अगर 5 size है तो फर्स्ट वाले में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड वन को किसी तरह. हिज ये वांट टू से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0 to 5 or 1 to 5 sizes, what is the difference between these? Basically, देखिए कैनोला में दो चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल है. एक तो प्रॉन्ग्स जो हैं जो कि डिलीवर करेंगे फ्लो नॉस्ट्रल्स के अंदर, उसका साइज वो कितने लंबे प्रॉन्ग्स है. दूसरा, उन दोनों प्रॉन्ग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है. ठीक है, तो मेरे पास जो बेसिकली मैं प्री मेच्योर न्यूनेट्स के लिए जो रिकमेंड करता हूँ, दोनों का आउटपुट फ्लो की अगर मैं बात करूँ, दोनों 8 liter से ऊपर नहीं देते. अच्छा, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि 8 liter कट ऑफ है. उससे ऊपर अगर मैं फ्लो रखूँगा न्यूनेट्स में या प्री मेच्योर में तो सेप्टम रप्चर हो जाएगा. ठीक है,
तो वही आपको कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएंगी जो कि बबल सीपैक में आती हैं, आप किसी भी प्रेशर थेरेपी में आती हैं, आपको एब्डोमिन डिस्टेंशन या बैरल ट्रॉमा या वो दूसरे इश्यूज हैं एस्पिरेशन, तो उसको अवॉइड करने के लिए 8 लीटर कट ऑफ रखा हुआ है थ्योरेटिकली। लेकिन एज पर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस जो कि मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस ये कहता है, डॉक्टर जो कहते हैं यूज़ करते हैं कहते हैं हम नॉर्मली 6 लीटर से अबव नहीं जाते, इन केस समटाइम्स दे मे गो अप टू 8, बट 8 इज डेफिनेटली कट ऑफ। तो जो स्टार्टिंग है हमारे दोनों साइजेज हैं वो 8 लीटर ही डिलीवर करते हैं। ऐसे दोनों साइजेज में माइनर सा जो है फ़र्क है प्रॉन्ग के साइज का और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रॉन्ग्स, दैट्स इट। अब वो नॉर्मली इसलिए मैं रिकमेंड, देखिए मैं कहता हूँ एक ही साइज आप यूज़ करें। अब आप स्टॉक सर्किट आप लेंगे 10 प्रॉन्ग्स आप या कैनोला आप लेंगे 15, तो कौन से पेशेंट को क्या लग जाए यू नेवर नो, को पेशेंट बता के तो नहीं आएगा आपको कि भाई मैं मेरा कौन सा साइज है, तो आपके फिर बिलाई में स्टॉक बढ़ जाता है। टू इन्हेंस दैट स्टॉक तो मैं रिकमेंड करता हूँ एक ही साइज के फ्लो। बेसिकली हमारा मेन जो टारगेट है टू डिलीवर फ्लो, हमने सील मेंटेन नहीं करनी, तो नॉस्टल्स ओपन रहे, हाफ द वे ओपन रहे, 1/3 ओपन रहे, 2/3 ओपन रहे, डजंट मैटर, मेन थिंग इज द फ्लो। फ्लो विल मेक द थिंग्स, फ्लो विल मेक द वंडर्स। तो इसका मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक देखिए अगर आपका प्रेशर या इसमें जो आपका जो ये अपैरेटस है इसमें अगर कंज्यूमेबल आप फर्दर एड ऑन कर दें तो ये बबल सी पैप एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है फॉर न्यू नेट। इसमें जो प्रेशर की रेंज है स्टार्ट होती है 3 से एंड गोज अप टू 10। एनी अदर क्वेश्चन? ये हीटिंग वायर का जो टेम्परेचर है जी ये कितना होता है, इसको वेरी भी करते हैं इसमें तो? जी मैम इसमें इनका क्वेश्चन है कि हीटिंग टेम्परेचर को हम वेरी कर सकते हैं नहीं कर सकते। बेसिकली जो ह्यूमिडिफायर है ये सर्वो कंट्रोल्ड है, इसमें एट लास्ट दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, आइदर इन्वेजिव ऑप्शन और नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव में एयरवे टेम्परेचर को मेनटेन करेगा अप टू 37 और नॉन इन्वेजिव में मेनटेन करेगा 34। इसमें थर्ड ऑप्शन भी है दैट कैन बी डन थ्रू सर्विस बायोमेड कि आप उसको 31 टेम्परेचर पे सेट कर दें। 31 में ये होगा कि ये आपकी जो हीटिंग वायर है दैट विल बी बाईपास, लेकिन वो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड क्योंकि देखिए थेरेपी की एफिकेसी पे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मल अगर आप मैं अप टू एडल्ट एक 5 लीटर ऑक्सीजन बर्दाश्त कर लेता है या उसको दी जाती है लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी, मुझे अगर 15 मिनट तक आप 3 लीटर भी दे देना तो आफ्टर दैट मैं मेरे लिए इतनी इचिंग हो रही होगी मुझे अपने एयरवे में वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता आंटी अनलेस इट्स एक्टिवली ह्यूमिडिफाइड एंड हीटेड। अच्छा एक्टिवली मैंने क्यों वर्ड यूज़ किया, जो अगर आप ह्यूमिडिफायर बॉटल भी जो फ्लोमीटर के नीचे लगाते हैं दैट डज पैसिव ह्यूमिडिफिकेशन, दैट इज़ नॉट गुड इनफ। वो पेशेंट की अभी भी जो रेस्टलेसनेस है और वो जो है वो उसको नहीं सस्टेन कर पाता। चलिए 5 लीटर से ऊपर की बात कर लें, 7 लीटर 8 लीटर तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो इसको हीट और ह्यूमिडिफाई करना दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 31 इज नॉट ऑल्दो रिकमेंडेड बट यू कैन डू इट। ओवर प्रेशर रिलीज को असल में बात ये है कि पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो रही होती है फ्लो की, और तो आप कांस्टेंट फ्लो डिलीवर कर रहे हैं पेशेंट को, लेकिन पेशेंट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन तो देखें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन या कोई कहीं पर कोई सर्किट आपका किंक हो गया, इवन आपका कैनुला किंक हो गया, तो जो फ्लो तो पीछे से जो फ्लो ड्राइवर से आ रहा है दैट इज वेरी कॉन्स्टेंटली आ रहा है, अब वो क्या करेगा प्रेशर बिल्डअप करेगा। तो एकदम से जो पेशेंट को जो है वो उसका फ्लो का एकदम से वो उसको सर्ज ना मिल जाए, एकदम से उसको फ्लो भेजी गई टेन ट्रोमाटाइज द पेशेंट एयर वे, तो उसको उस प्रोटेक्शन देने के लिए इन्होंने एक ओवर प्रेशर रिलीफ वेल्व लगाया है जो कि सेट हुआ हुआ है फॉर 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली इट्स अ मैकेनिकल वेल्व खुद ही ऑटोमेटिकली रिलीज कर देगा। अगर वैसे आपने मैनुअली चेक करना हो कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो जब आप पेशेंट को अटैच करने से पहले जब कैनोला सब चीज़ें आप लगा लें उसको आप ब्लॉक कर लें, ब्लॉक करके आप चेक कर लें कि आपको वहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा है नहीं हो रहा, अगर एग्जॉस्ट हो रहा है दैट मींस इट्स वर्किंग फाइन। तो ये कुछ चीज़ होती हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस जो है ना डॉक्टर कंप्लेन कर देता है बाद होता है कि आप ये है कि ब्लेंडर जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि रिक्वायर्ड FIO2 तो डिलीवर कर रहा है नहीं कर रहा है हमारा। तो इसका तरीका ये है कि पहली तो ये कि एक मैकेनिकल डिवाइस है, इसमें आपका कोई भी गैस का प्रेशर कम होगा तो ये एक कॉस्टिक अलार्म करेगा कि गैस प्रेशर जो है डाउन हो गया, आइदर चाहे वो एयर हो चाहे वो ऑक्सीजन हो ये अलार्म करेगा। अच्छा दैट अलार्म कैन बी साइलेंस बाय यूजिंग ब्लेंडर ऑन आइदर साइड, या तो आप 100% ऑक्सीजन पे यूज़ कर लें अगर एयर का प्रॉब्लम है तो चुप हो जाएगा, या 21 पे यूज़ कर लें अगर ऑक्सीजन का प्रेशर का प्रॉब्लम है तो ये चुप हो जाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस गैस के प्रेशर का प्रॉब्लम है। फर्स्ट थिंग,
सेकेंडली ये है कि इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं एक ऑप्शनल जो कि नॉर्मली होता है एयर ऑक्सीजन एनालाइजर। ऑक्सीजन एनालाइजर आप इसके सिंपल टी पीस कर आप अटैच कर दें, कंटिन्यूसली आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि एफ आई ओ2 आपका कितना जा रहा है। एक थर्ड फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये क्योंकि देखिए ये ब्लेंडर और मेरा अभी तक छोटा सा एक्सपीरियंस वो ये कह रहा है जितनी मैंने यूनिट्स इंस्टॉल किए अंदर शुगर 100+ मेरे यूनिट्स हैं इंस्टॉल्ड, तो कहीं पर भी मुझे ये कंप्लेन अब तक नहीं आई। जो मेरा सबसे तो पुराना सिस्टम लगा हुआ मार्केट में कुछ 3 साल हो गए जी। ब्लेंडर पे जो दो बाल लगे हुए थे तो ऑक्सीजन मिक्सर हो गया, दूसरा आपने बोला सेकेंडरी तो कहीं अब ये हमें मतलब अब दो लगाया है तो हमें कोई इसका दोनों का एट ए टाइम यूज कर सकते हैं? एट एट अ टाइम आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि पहले तो वैसे तो देखिए जो डुअल आपका कॉन्फ़िगरेशन है ब्लेंडर की वो देने का मकसद ये है कि एक फ्लो मीटर आप यूज़ कर लेंगे प्राइमरीली टू डिलीवर बबल सीपैप और हाई फ्लो टू द पेशेंट। जो सेकेंडरी आपका या ऑक्सिलरी उसका कनेक्शन आप कह रहे हैं फ्लो मीटर कह रहे हैं वो यूज़ होगा ड्यूरिंग हाई फ्लो अगर आपने पेशेंट को नेबुलाइज करना है फर्स्ट थिंग। सेकेंडली अगर पेशेंट को लेट्स सपोज आपने लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, आपने हाई फ्लो देनी है नॉर्मल ऑक्सीजन लेकिन कंट्रोल्ड एफ आई ओ टू पे देनी है। अभी अभी आप जो ऑक्सीजन से फ्लो मीटर से देते हैं दैट इज 100% ऑक्सीजन, तो मुझे 100% ऑक्सीजन नहीं देना। उसका भी फॉर्मूला है 21, आप नॉर्मली मतलब कि आप अगर 1 लीटर रखा आपने तो 24 है, यू एड प्लस 3 to 21 मतलब एंड गो एंड सो सो एंड सो फोर्थ, तो वो फॉर्मूला का मुझे फॉलो नहीं करना है और मुझे उसको डेफिनेट या इंक्यूबेटर में लेट्स सपोज मुझे यूज़ करना है या पेशेंट के रिससिटेट करना है पेशेंट को ऑन कंट्रोल्ड एफ आई ओ टू, क्योंकि प्री मेच्योर और न्यूरेट्स को जो है विदाउट ब्लेंडर ऑक्सीजन देने का मतलब है इट मे कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस। तो ये परमानेंट ब्लाइंडनेस वाला जो इशू है उसको कंट्रोल ऑल दो हमारे यहाँ है क्लिनिकल रिव्यू कॉल है वो कितना टाइम तक हम यूज़ करते हैं मतलब कितना टाइम के बाद चेंज कर सकते हैं या एज पर यूरोपियन सोसाइटी ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल जहाँ ये यूरोपियन मैन्युफैक्चरर से आ रहा है ये प्रोडक्ट, तो एज पर देयर सोसाइटी वो रिकमेंड करते हैं दिस सर्किट इज गुड इनफ टू बी यूज फॉर 7 डेज, आफ्टर 7 डेज आप रिप्लेस कर दें। उसकी रीज़न ये है इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है। ऑल दो हमारा सर्किट हम कहीं क्रैक नहीं कर रहे उसको क्लोज है सारी थेरेपी, लेकिन जो रिकमेंडेशन है दैट इज़ फॉर 7 डेज बट और 7 नॉर्मली जो एक्सपीरियंस किया गया है अपार्ट फ्रॉम बबल सीपैप कैन गो अप टू 1 मंथ ऑल्सो। अगर हाई फ्लो की आप बात करें तो विद इन अ वीक आपको पेशेंट आपका वीन ऑफ हो जाता है, तो आपको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मोर देन अ वीक टाइम। बट बबल सीपैप में येस यू हैव टू, तो बबल सीपैप में सिंपल रिकमेंडेशन तो यही कहती है मैनुफैक्चर की और यूरोपियन इवन पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कहता है कि इट हैज़ टू बी एनी थिंग दैट इज यूज टू डिलीवर सर्किट तो बिल्कुल सिंगल यूज सिंगल पेशेंट सिंगल पेशेंट मल्टीपल यूज हो सकता है बट सिंगल पेशेंट रिकमेंडेड है। एक क्वेश्चन अगर इसको हम प्लाज्मा करवा लें आप यूज कर सकते हैं। बाय द वे इसमें एक और बात बता दूँ, एक बायोकोट इसकी टेक्नोलॉजी है वो ये जो इंटरनल इसकी सर्किट की लाइनिंग है दैट इज कवर्ड विद बायोकोट मटेरियल दैट अवॉइड्स कॉलोनाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया ग्रोथ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो कहने का मकसद ये कि एक मतलब एक हिंड्रेंस मिलती है रिलक्टेंस मिलती है इनको ग्रोथ करने के लिए, कॉलोनाइजेशन इतनी आसानी से हो नहीं पाती, बट अगेन in the safety of the patient should be used for 1 week, not more than that. अच्छा इसका ये जो आपकी सर्किट है जी एक तो ये सिंगल यूज है जी, इज इट कॉस्ट इफेक्टिव? सर जैसे मैंने कहा कि सिस्टम मेरा ओपन है और करेंटली जहाँ भी मैंने सिस्टम किए हैं हर जगह पे जो कस्टमर है वो मेरा सर्किट ही ले रहा है, तो इसी वजह से क्योंकि मैं सबसे जो है सबसे सस्ता सर्किट है इनएक्सपेंसिव वो मेरा ही है मार्केट में। ये जो आपका ह्यूमिडिफायर है जी और इसमें जो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि सलाइन वाटर हो या आरओ वाटर हो या टैप वाटर हो? रिकमेंडेशन है सर आइदर फॉर डिस्टिल वाटर या रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ वाटर। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ड्रिप्स सप्लायर्स हैं दे एड सॉल्ट टू इट देन सप्लाई, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नॉर्मल सलाइन ही अवेलेबल है इन टू फॉर्म्स आइदर 9% एंड 4.5%। तो फ्लो और प्रेशर को डिफाइन करो, फ्लो और प्रेशर को ठीक है, अगर आप फ्लो डिलीवर कर रहे हैं फ्लो और प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोवाइडेड आपका जो है वो जो आप स्पेस
जो आपका कंप्लाइंस है जिस चीज़ की, जहाँ आप फिलअप कर रहे हैं जिसको, वो आपका कॉन्स्टेंट ना हो. लेकिन अगर वो कॉन्स्टेंट और डेफिनेटली एक पॉइंट आएगा, आपका जो है वो फ्लो बिल्कुल नियर टू जीरो हो जाएगा और प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा. उसकी भी एक लिमिट है, उसके बाद इट कैन सस्टेन नो मोर. लेकिन अगर लेट सपोज अगर वो प्रेशर सस्टेन कर सकता है एक चीज़ पर 100 bar तक, इनिशियली मैंने फ्लो तो अच्छा खासा जाएगा प्रेशर बिल्डअप करने में, लेकिन जैसे ही वो प्रेशर नियर अबाउट बढ़ता जाएगा उस पॉइंट पर पहुँचेगा जो उसका कंप्लाइंस पीरियड डजन अलाउ, सो उसकी कंप्लाइंस जो है चीज़ की वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वॉल्यूम वो लेगा फ्लो, रिगार्डलेस आपका कुछ भी हो. फ्लो अगर आप ज़्यादा रख देंगे, लेट सपोज 10 liter से अगर फ्लो देंगे तो लगता है उसको 1 minute लगे, और अगर आप 1 liter से देंगे तो उसको लगता है 10 minute लगेंगे. ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है कि आप फ्लो क्या दे रहे हैं, लेकिन प्रेशर हमेशा बिल्डअप होगा एज पर दी कंप्लाइंस ऑफ दी सिस्टम जिसको आप जिसमें आप पंप अप कर रहे हैं फ्लो. आखिर में मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू कहना चाहूँगा, स्पेशली इंजीनियर जमी साहब को और कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल को. उन्होंने एक छोटा सा सेशन करने का हमें मौका दिया, और जस्ट ये हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए ये एक सेशन किया है जिसमें हमने ना किसी मैन्युफैक्चरर का नाम लिया ना हमने कुछ, जस्ट टू प्रमोट दी थेरेपी एंड टू लेट पीपल नो अबाउट दिस प्रोडक्ट. दैट्स इट. थैंक यू सो मच.